हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फाइंड एन थ्री फ्लिप फ़ोन है, तो ओप्पो फाइंड एन थ्री फ्लिप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं ओप्पो फाइंड एन थ्री फ्लिप फ़ोन में, और कलरिंग वगैरह को कैसे आप बदल सकते हैं ओप्पो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना है कलर, तो कलर कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्स आ जाएगी, जिस पे जाकर आप स्क्रीन कलर्स को चेंजेस कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका कलर स्टैंडर्ड है, तो आप यहाँ से इसको वार्म कलर कर सकते हैं, कूल कलर्स भी कर सकते हैं। ब्लू एस करना है, ब्लू डार्कनेस एंड रेड एंड पिंक, रेड ग्रीन येलो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कलरिंग को चेंज कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। सिंपली इस पे जाते हैं, तो इस पे जाकर भी आप कलरिंग को बदल सकते हैं। देख सकते हैं कि हमने इसको ऑन करते ही स्क्रीन कलर्स को ब्लैक एंड वाइट कर दिया इस तरीके से, तो इसको आप ब्लू एंड येलो कलरिंग में भी कर पाएंगे। एंड आपके पास रेड एंड ग्रीन कलरिंग भी हो रहा है, जो आपका कुछ इस तरीके से शो करता है। तो इस तरीके से कलरिंग को आप चेंज कर सकते हैं, और ऑफ़ करते हैं तो जो भी आपका नॉर्मल कलर है आपके फ़ोन में शो कर जाएगा। देखते हैं कि शो हो रहा है। तो इस तरीके से कलरिंग को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन है ब्लैक हो जाती है तो ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन है कुछ इस तरीके से हो गई है, देखते हैं हो गई है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और कलर को कैसे बदल सकते हैं, तो जैसे ऑप्शन है कलर इनवर्स, इनको आप ऑन ऑफ करते हैं तो इसका कलर प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं ओप्पो फाइंड एन थ्री फ्लिप फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।